साल 2012, जगह लखनऊ। कजाखस्तान में होने वाली एशियाई जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के लिए लखनऊ में कैंप लगा था। 30 अप्रैल से 25 मई तक ट्रेनिंग कैंप में अंडर 19 टीम के पहलवान मेडल जीतने के लिए पसीना बहा रहे थे। खिलाड़ी कजाखस्तान रवाना होने वाले थे, लेकिन तभी सनसनी फैल गई। कैंप में शामिल चार लड़कियों ने कोच पर संगीन आरोप लगाए। लड़कियों ने कोच पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। ये आरोप लगते ही लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। आनन फानन में जांच का ऐलान हुआ। जिस कोच पर आरोप लगे थे उसे कजाखस्तान जाने से रोक दिया गया। बाद में मामले को दबाने का आरोप भी लगा और इसमें एक नाम उछला, वो था बृजभूषण शरण सिंह। ये पहली बार था जब यौन उत्पीड़न के किसी मामले में बृजभूषण शरण सिंह का नाम आया था। 2011 में कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बृजभूषण शरण सिंह का नाम विवाद में आया था। तब जैसे तैसे मामले को दबा दिया गया। साल 2014, जगह लखनऊ। दो साल बाद लखनऊ में फिर कुश्ती का कैंप लगा। इस बार नेशनल कुश्ती टीम की ट्रेनिंग लखनऊ में हो रही थी। तब टीम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर परमजीत मलिक की तैनाती थी। एक दिन 3 से 4 महिला पहलवानों ने फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक से सुबकते हुए शिकायत की। महिला पहलवानों ने रोते हुए कैंप में अपने साथ मानसिक और यौन उत्पीड़न की शिकायत की। आरोप है कि परमजीत सिंह ने यह मामला जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के सामने उठाया तो 24 घंटे में उन्हें कैंप से वापस बुला लिया गया। 2012 में भी एक आवाज उठी थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर लखनऊ कैंप की बात है, जूनियर खिलाड़ियों ने FIR करवाई थी, 24 घंटे में बृजभूषण जी ने उसको खारिज करवा दिया था। एक आवाज 2014 में भी उठी थी, उसमें भी 24 घंटे में बृजभूषण जी ने जो परमजीत मलिक हैं जो फिजियो थे उनका और उनकी वाइफ का कैंप में नाम था, उनकी वाइफ जो कि नेशनल में मेडल जीत के कैंप में थी, तो उसको 24 घंटे में कैंप से निकाल दिया गया। 15 दिन से दिल्ली का जंतर मंतर अखाड़ा बना हुआ है। इस अखाड़े में बृजभूषण के खिलाफ ताल ठोक रहे पहलवानों ने आरोपों की पुरानी फाइल खोल दी। एक दशक पुराने मामलों को उछालकर बृजभूषण को चित करने का दांव चला गया। वहीं बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि अगर फेडरेशन में ऐसा ही था तो पहलवान तब से अब तक चुप क्यों थे। 15 दिन पहले तक आप मेरे पास आते थे, आप फोटो खिंचा करके गए हो और मेरी तारीफ करते थे, और 15 दिन के अंदर आपको इतना लगा। 12 साल के अंदर इनके साथ कुछ भी हुआ हो तो कोई एक एप्लीकेशन इनकी पुलिस के पास हो, सरकार के पास हो, सीधे जंतर मंतर चले गए। बृजभूषण अपने बचाव में पहलवानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। इस शिकायत में 2016 की एक घटना का जिक्र है। शिकायत में कहा गया है कि 2016 में एक टूर्नामेंट के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवान से बदसलूकी की। आरोप है कि रेस्टोरेंट में बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवान को अपने पास बुलाया। आरोप है कि बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवान को गलत तरीके से छुआ। जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है उनकी पहचान छिपाई गई है, लेकिन जो महिला पहलवान बृजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठी हैं उन्हें सुनिए। हमने कभी भी मतलब ओपनली इस चीज़ को नहीं बोला है और ना ही कभी बोलेंगे, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से शर्म आते हैं बहुत, अभी आप जैसे बोल रहे हो तो जैसे बजरंग ये सब, हमें अब भी शर्म आ रही है इस चीज़ को, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो समझ रहे हो, तो इस चीज़ को बोलना उसी पीड़ा से उसी दर्द से गुजरने वाला वो है। एक महिला पहलवान ने 2018 की एक घटना का जिक्र अपनी शिकायत में किया है। आरोप है कि बृजभूषण शरण सिंह ने उसे देर तक कस कर गले लगाया। आरोप है कि इस दौरान उसका हाथ महिला पहलवान की छाती पर था। इसके अलावा आरोप है कि बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों से अपनी मालिश करने की फरमाइश भी करते थे। काफी लड़कियों ने बताया कि लड़कियों को बुला के बोला गया है मेरी पीठ दबाओ, मेरे यहाँ पेन हो रहा है, तो ये सारी बातें सर सुनने में आई है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के नाते बृजभूषण शरण सिंह अक्सर ट्रेनिंग कैंप में जाते थे,
इस पर भी पहले अंदर खाने आवाज उठती रही। अब एक महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में कहा है कि 2018 में प्रैक्टिस के दौरान ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उसे गलत तरीके से छुआ। 2019 में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने दफ्तर में पीड़ित पहलवान को जबरन पकड़ने की कोशिश की। आरोप है कि ब्रिजभूषण ने पीड़ित पहलवान से उसका नंबर मांगा। ये चंद आरोप हैं कि जो पहलवानों ने लिखित में दर्ज कराए हैं। इन आरोपों को जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान सच बता रहे हैं। बॉडी शेमिंग करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को बोलते हैं कि ये तो लड़की लगी नहीं रही, इस तरह की बातें करते हैं। मेरे सामने बोला, आपके सामने हुआ? जूनियर के नेशनल ट्रायल्स चल रहे थे लखनऊ में, मेरे को पास में बिठाया, अरे देखो देखो विनेश देखो, इसे तो लड़का लग रही है, बिल्कुल लड़की लग ही नहीं रही, देखो इसका कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है, आप क्या बोलना चाहते हो? अखाड़े में लड़े जाने वाला दंगल 15 दिन से जंतर मंतर पर लड़ा जा रहा है। एक तरफ पहलवान है तो दूसरी तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह। पहलवानों के हर आरोप पर ब्रिजभूषण सिंह का एक ही बचाव है, वो पूछ रहे हैं आखिर सबूत कहाँ है। एक भी घटना अगर साबित हो जाएगी, किसी के पास मैंने कहा ऑडियो हो वीडियो हो प्रूफ हो गवाही हो, तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। पहलवान जंतर मंतर पर जमे हुए हैं। ब्रिजभूषण के खिलाफ आरोपों की फाइल खुल चुकी है, लेकिन ब्रिजभूषण जमे हुए हैं और हर आरोप की धार को कुंद करने के लिए सबूत वाला जुमला उछाल रहे हैं।